हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा हमें गर्मियों में अपने डॉग को क्या क्या खाने में देना है जिससे हमारे डॉग की हेल्थ अच्छी रहे, ठीक है, ग्रोथ भी अच्छे से हो और एक्टिव एक्टिव रहे। गर्मियों में मेन बात होती है अपने डॉग को एक्टिव रखना, क्योंकि सबसे ज्यादा डॉग गर्मियों में बीमार होता है, ठीक है, उसके हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है गर्मियों में। तो दोस्तों, मैं वीडियो में बताऊंगा आपको क्या क्या खाने में देना है, अच्छे से समझाऊंगा कैसे क्या देना है। तो वीडियो को प्रॉपर देखना जब भी आपको क्लियरली समझ में आ पाएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गर्मी का मौसम है, हमारे डॉग में मेन दिक्कत आती कहाँ है, गर्मियों में। दोस्तों, गर्मियों का जो मौसम होता है बहुत ज्यादा डॉग के लिए थोड़ा अच्छा नहीं होता। सर्दियां सहन हो जाती है, लेकिन गर्मियां बहुत मुश्किल है सहन करना डॉग के लिए। क्योंकि होता क्या है, जो डॉग का अंदर से टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा गर्म होता है, डॉग जो अंदर से होता है बहुत ज्यादा गर्म होता है और बाहर से भी टेम्परेचर गर्म है। ऊपर से अगर आप उसको कोई गर्म चीज दे दो तो गर्म 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 ही मिल जाता है, तो फिर भाई कंफ्यूजन तो गरम गरम में बहुत तगड़ी बन जाती है, लेकिन आपका डॉग भी बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है, ठीक है। मेन इस चीज का सबसे बड़ी जो इफेक्ट पड़ता है डॉग के लीवर पर पड़ता है। डॉग का लीवर जब खराब हो जाएगा तो भाई बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि लीवर ही डॉग का खाना डाइजेस्ट करता है, ठीक है, उसको जल्दी डाइजेस्ट करने में मदद करता है, ठीक है, उसकी हेल्थ में प्रॉपर लगाता है। तो दोस्तों, हमें क्या देना है अपने डॉग को ताकि हमारा डॉग एक्टिव रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए। सभी ये चाहते हैं भाई सभी का डॉग हेल्थी रहे, ठीक है, एक्टिव बना रहे। तो कुछ आपको फॉलो करना पड़ेगा। मेन बात गर्मियों में, गर्मियों में मैं कुछ प्रोडक्ट आपको बता देता हूँ, प्रोडक्ट क्या आपको नॉर्मल चीज बता देता हूँ जो आप यूज कर सकते हो और अपने डॉग को हेल्थी रख सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले मैं चीज कहूंगा अपने डॉग को ठंडी तासीर की चीजें देना, ठंडी तासीर की, जिनकी जो तासीर होती है ठंडी। जैसे मैं आपको बताऊं, जो दही होता है उसकी तासीर ठंडी होती है, चाहे आप उसको गर्म करके भी दे दोगे ना उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो भी वो पेट में जाके उसका ठंडक पैदा करेगा डॉग के, ठीक है। उसको ये नहीं है फ्रिज में ठंडा करके देना, नो, आपको नॉर्मल ही देना है। तो दोस्तों, गर्मियों में अपने डॉग को जितना हो सके दही दें। दही से क्या होता है, दही की जो तासीर होती है ठंडी होती है, आपके डॉग का टेम्परेचर जो होता है अंदर से गर्म होता है। जब उसके अंदर कुछ ठंडा ठंडा जाएगा ना, तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है दही को बहुत जल्दी डाइजेस्ट कर लेता, बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती। और अंदर जो उसका टेम्परेचर है वो बनाए रखता है अच्छे से, अंदर ज्यादा गर्म होने नहीं देता, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अब देखो, उसका पेट गर्म है, आप कुछ ठंडी सी चीज दोगे तो उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है, थोड़ा मीडियम टेम्परेचर में लाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत हेल्प करेगा आपको गर्मियों में, कर्ड आपके डॉग की हेल्थ सही रखने में एक्टिव रहेगा। जब अंदर से कोई बीमारी नहीं होगी ना आपके डॉग को, तो बिल्कुल एक्टिव रहेगा आपका डॉग, ठीक है। और दूसरी चीज, आप छाछ दे सकते हो। छाछ क्या होता है, देखो, कर्ड तो होता है दही, ठीक है, छाछ क्या होता है, मेन बात, बहुत से भाई इसको छाछ जानते हैं, मठा कह लीजिए, ठीक है, लस्सी कह लीजिए, ये सब चीजें होती हैं जो एक ही चीज छाछ ही होता है, ठीक है, हमारे यहाँ पर तो लस्सी छाछ सब कह देते हैं। तो दोस्तों, ये बनती कैसे, जो आपका दही होता है ना, जब उसको मथनी से या फिर ग्राइंडर से फेर देते हैं, मतलब उसको ग्राइंड कर देते हैं, तो जो लिक्विड टाइप में हो जाता है वो होता है आपका छाछ होती है। जब दही में से घी निकाल लिया जाता है तो वो छाछ होती है, वो भी आप अपने डॉग को दे सकते हो, वो भी ठंडी तासीर की चीज होती है, आपके डॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करने में हेल्प करेगी, अंदर से आपके डॉग को अच्छी ग्रोथ, मतलब एक तरह से एक्टिव बना के रखेगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और क्या दे सकते हो गर्मियों में अपने डॉग को, चावल दे सकते हो दोस्तों। चावल एक बहुत ही अच्छा गर्मियों में सोर्स है अपने डॉग को फीड में देना, मतलब खाने के रूप में देना। चावल बहुत ठंडे होते हैं, मतलब ठंडी तासीर होती है, तो डॉगे अच्छे से डाइजेस्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, और आपके डॉग की हेल्थ भी इससे बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और लीवर टॉनिक, दोस्तों लीवर टॉनिक मोस्ट इंपॉर्टेंट गर्मियों में आपके डॉग के लिए। लीवर टॉनिक क्या होता है, जो लीवर होता है ना आपके डॉग का, वही खाने को डाइजेस्ट करता है, वही खाने को जल्दी जल्दी पचाता है, ठीक है, सब काम उसी के ऊपर है, वो नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों, लीवर टॉनिक क्या करेगा, आपके जो डॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छा बनाएगा, ठीक है। और मेन बात क्या आती है, कई भाई कहते हैं हमारा डॉग गर्मियों में खाना नहीं खाता, तो दोस्तों लीवर टॉनिक जब आप लोगे ना, तो उससे डॉग की भूख बढ़ती है, वो खाना भी खाएगा, एक्टिव रहेगा, हेल्थ बनेगी, खाना खाएगा शरीर में लगेगा उसके डॉग के, तो हेल्थ भी अच्छी बनेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को सभी भाइयों में शेयर कर देना, जो भी जिन्हों भाइयों के पास डॉग है या जो रखने की सोच रहे हैं, आप नॉर्मल भी शेयर कर देना, भाई किसी को प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो देख के अपने डॉग को मतलब आराम से रख सकता है, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, सॉल्यूशन उसके पास मिल जाएगा इस वीडियो से। तो दोस्तों, वीडियो को एक जने को जरूर शेयर कर देना, चाहे एक बंदे को करो, वीडियो को करना, हमारे को लाइक और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।